नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस टी आर ब्लॉग्स। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ सब सही होंगे। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं क्वारंटाइन में था क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था, तो इस वजह से मैंने क्वारंटाइन लिया था। तो जहाँ पे मैंने क्वारंटाइन लिया था, तो वहाँ से जब हम लोग का छुट्टी हुआ था, जब निगेटिव होकर हम लोग वापस आ रहे थे अपने कैंप तरफ, तो मुझे दिखाई दिया कि कुछ अच्छा सा दृश्य, कुछ सीनरी अच्छा सा दिखाई दिया था। तो उसमें से मैंने कुछ शॉट आप लोगों के लिए लेने की कोशिश की। तो देखते चलिए वो दृश्य कैसा है। तो चलिए देखते हैं, आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को एंजॉय भी करेंगे। तो आइए चलिए। तो दोस्तों, मैं अपना क्वारंटाइन ख़त्म करके जा रहा हूँ। तो क्योंकि हम लोग मेरे साथ और कुछ सारे आदमी थे जो कि क्वारंटाइन में थे, पॉजिटिव हो गया था कोरोना। तो अभी फिर 10 दिन बाद हम लोग को टेस्ट किया गया, तो हम लोग निगेटिव पाया गया। तो हम लोग अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे जाते वक्त अभी ये इतना अच्छा खासा सुंदर सा दृश्य सीनरी दिखाई दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस दृश्य को अपने कैमरे पे कैद कर लिया, जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो पे, अंतिम तक बने रहिए, देखते रहिए मेरे वीडियो को, क्योंकि ये मैं फ़िलहाल तो आप लोगों को पहले से वीडियो में पता चला होगा क्योंकि मैं मिज़ोरम में हूँ। तो ये मिज़ोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है, छिरछिप नाम है इनका, इस डिस्ट्रिक्ट का। तो अभी हम लोग क्वारंटाइन पे ये छिरछिप टाउन पे, डिस्ट्रिक्ट मतलब जो टाउन का जो लास्ट वाला भाग है, वहाँ पे हम लोग को क्वारंटाइन में रखा हुआ था। तो वहाँ से जाते वक्त मुझे ये दृश्य दिखा दिया, तो मैं सोचता हूँ कि इसे कैद कर लूँ अपने कैमरे पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का घर कैसा है, मिज़ोरम छिरछिप का, रास्ते कितना सुंदर है और रास्ता की साइड में कैसे घर बना हुआ है। यहाँ का लोकल्स ने घर बना के यहाँ पे रहते हैं। और आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में यहाँ से घर, यहाँ पे एक सुंदर सा ग्राउंड, एक मैदान भी है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का घर है, वहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है पहाड़ों के बीच में, किस तरीके का घर बना के रखा है इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने को। और इसी तरीके से रहते हैं यहाँ का लोकल्स, मिज़ो, जो मिज़ो है सबसे यहाँ का खास लोकल से मिज़ो जिनको बोलते हैं, तो उन लोगों का एक घर है ज़्यादातर यहाँ का। और इस तरीके का ज़्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अगर आप चला जाए तो नागालैंड में जा सकते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं इसी तरीके का, पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के ऊपर घर देख सकते हैं आप लोग। मणिपुर में चला जाइए, अरुणाचल में चला जाइए, और बाकी तो सिक्किम भी है, वहाँ पे भी आप लोग जाने से आप लोगों को दिखाई दे सकता है कि किस तरीके का घर, देखिए यहाँ पे किस तरीके का घर है पहाड़ के बीच में, काफ़ी अच्छा लगता है। और देख सकते हैं आप लोग, एंजॉय करिए मेरा वीडियो अंतिम तक, तो देखते रहिए। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, तो इसी वजह से ये आप लोग देख सकते हैं दुकान भी यहाँ पे शटर डाउन होके रखा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे टाइमली खुल नहीं पाता। एक टाइम होता है, उसी टाइम के बीच में इन लोगों को दुकान खुलना पड़ता है, और फिर जब टाइम ख़त्म हो जाता है उससे पहले दुकान को बंद भी कर देना पड़ता है क्योंकि लॉकडाउन है। और शायद मुझे जितना जानकारी है 15 तारीख तक, जून का इस महीने का 15 तारीख तक आपका लॉकडाउन रहने वाला है, उसके बाद शायद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा, खुल सकता है सब कुछ। काम करता हूँ तो मुझे उतना वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिलता है। अभी मैं जा रहा हूँ अपना कैंप में, तो क्या होता है कि मैं अपना जो गाड़ी है, गाड़ी से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो क्या है कि यहाँ पे खड़ा होकर अगर शूट करता तो और अच्छा खासा सीनरीज आता, कैप्चर हो पाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि रनिंग पे हूँ और रनिंग पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोग देख सकते कितना अच्छा सुंदर ये पहाड़। कितना
अच्छा से घर को सजा के रखा है फूलों से। यहाँ का मिजो लोकल्स जो है अच्छा खासा घर को अपना सजा के रखता है और अच्छा लगता है काफ़ी। और यहाँ पे सिलेंडर लेके जा रहा है खाना बनाने के लिए अपने घर के लिए ये बंदा। और ये देखिए शटर डाउन है और ये कितना अच्छा खासा सुंदर घर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों फिलहाल यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गया, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और कितना शानदार घर है ये, देख सकते हैं आप लोग, बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है। और ये वैसे भी ये बारिश के सीजन है तो बारिश आना ही है, तो इसी वजह से बारिश हो रहा है। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ का नज़ारा काफ़ी खुशनुमा है, अच्छा है, खूबसूरत भी है। और मेरे गाड़ी के आगे आगे गाड़ी जा रही है। और देखिए कितना अच्छा ये घर को किस तरीके से बना के रखा है, कितना सारा पोस्ट के ऊपर में ये घर बना के रखा है। इसी तरीके का घर आता है पहाड़ी इलाका का, आप लोगों को शायद मेरे दर्शकों को पता होगा, व्यूअर्स को पता होगा कुछ कुछ को। तो देखिए कितना सुंदर ये घर है। रास्ता के किनार में ज़्यादातर घर होता है इन लोगों का, क्योंकि स्पेस नहीं मिलता घर बनाने के लिए इन लोगों को। हमारे यहाँ पे जैसे प्लेन्स में जितनी सारी घर होता है बना के रखते हैं लोकल्स, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ी होता है, पहाड़ी के बीच में इन लोगों को घर बनाना पड़ता है या फिर पहाड़ी के ऊपर बनाना पड़ता है। इसी तरीके से इन लोगों का जीवन निर्वाह करना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग इस तरीके का पहाड़ और पहाड़ के बीच में घर। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ का लोकल्स जो है सब्जी किस तरीके से बिकता है। ये देखिए यहाँ पे लोकल सब्जी, कच्चा जो माल है, कच्चा सब्जी यहाँ पे बेच रहा है। यहाँ का जूम, यहाँ का लोकल मिजो लोग जूम करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, शटर सब डाउन है, दुकान बंद पड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों अपना कैंप तरफ आगे बढ़। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि यहाँ का जो सीनरी दृश्य है बहुत ही अच्छा दृश्य था, जिस वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया था। चलिए दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, खुश रहिए, अच्छा रहिए। तब तक के लिए बाय।